हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिल्पास फूड कोर्ट। हमारी आज की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी फ्रेश हरी मटर के चीले। बहुत ही क्रिस्पी, स्पाइसी और टेस्टी सा ये एक ब्रेकफास्ट है जिसे आप इजीली बना सकते हैं। और सर्दियों के इस मौसम में जब फ्रेश मटर आई है तो इसे एक बार बनाना तो ज़रूर बनता है। मिक्सर का एक जार ले लेंगे और सबसे पहले ये मैंने एक कप फ्रेश मटर ली है, इसे हमें ग्राइंडर में ले लेना है और इसे ग्राइंड करना है हमें। पहले तो पहले हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं, तो 2 बड़े चम्मच दही आप इसमें ऐड करें। रूम टेम्परेचर का फ्रेश दही जो रहता है वही आपको ऐड करना है और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, ये मेरा पेस्ट जो है वो रेडी है मटर का। दही के साथ आप पेस्ट बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है ये। अभी हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप रवा लिया है, बारीक वाला रवा लेना है हमें। और 2 कप हम इसमें ऐड करते जाएंगे बेसन। आप कोई भी एक मेजरिंग के लिए कप या कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 कप मैंने यहाँ पे लिया है चावल का आटा। एक इसमें मैंने प्याज ऐड की है बारीक चॉप करके। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का कुटा हुआ पेस्ट है ये। और जो पेस्ट हमने मटर का बनाया है, अब मैंने इसमें दही वाला जो पेस्ट है हमारा वो ऐड कर दिया है। फ्रेश कटी हुई हरा धनिया हमें इसमें ऐड करना है। बहुत टेस्टी लगते हैं ये चिले खाने में। यहाँ पे इसमें मैंने ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, साथ ही इसमें जाएगा जीरा तो 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है हमें नमक। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और चाट मसाले से भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। तो इस तरीके से कसूरी मेथी को क्रश करके आप इसमें ऐड करें। और यहाँ पे मैंने फाइनली ले ली है अजवाइन, इसे भी हमें ऐसे हाथ से थोड़ा सा क्रश करके ऐड करना है, इससे फ्लेवर अच्छा उतरता है। सबसे पहले इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये जो चीला है क्रिस्पी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, तो आप चावल का आटा स्किप कर दें। मैंने इसमें मिक्सर के जार में जो थोड़ा सा पेस्ट था उसी में थोड़ा पानी डाल के पहले ऐड किया, फिर स्लोली स्लोली पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक बैटर बनाना है। सूजी है इसमें, तो इसके लिए हमें ये बैटर बना के थोड़ी देर छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप स्लोली स्लोली पानी डालें और नॉर्मल एक जो रनी कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा रनी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, ऐसी कंसिस्टेंसी आने पर हम इसे ढककर 1 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पे मैंने तवा गरम करने के लिए रखा है, ये नॉर्मल रोटी बनाने वाला ही तवा है। आप चाहें तो नॉनस्टिक का भी तवा यूज़ कर सकते हैं। इसे पहले ऑयल से थोड़ा सा हमें ग्रीस कर लेना है। अब हम इसमें अपना ये बैटर पोर करेंगे। तो 2 से 3 चम्मच जितना आपको थिकनेस चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ये पोर कर लें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनता है ये चीला, क्योंकि हमने इसमें मटर का पेस्ट ऐड किया है और वेजेस भी काफ़ी ऐड की हैं। तो इस तरीके से आप इसे स्प्रेड कर लें। एक तरीके से जब ये अच्छी तरह से सीख जाएगा उसके बाद ही आपको इसकी साइड फ्लिप करनी है। तो 1 साइड से पहले इसे अच्छे से सीखने दें। थोड़ा सा ऊपर से मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अगर आप इसे नॉनस्टिक में बना रहे हैं तो ये बहुत ही मिनिमम ऑयल में बन जाता है। तो ये देखिए, ये एक तरफ से सीख गया है, तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो इस तरीके से अलट पलट करते हुए आपको इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही अच्छे से पूरा सेक लेना है। सर्दियों में बहुत अच्छी फ्रेश मटर आती है, तो उस टाइम पे ये एक बहुत हेल्दी और अच्छा अल्टरनेटिव है सभी के लिए। ये ब्रेकफास्ट के लिए मोस्टली एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। वेरिएशंस में जिन्हें ब्रेकफास्ट पसंद है तो वो ये चीला ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई करें। बहुत टेस्टी लगता है ये टेस्ट में। बच्चों के लिए भी अगर आप ये बनाते हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्दी अल्टरनेटिव है। तो ये देखिए, ये चीला जो है एकदम बढ़िया सा हमारा अच्छे से दोनों तरफ से सीख गया है। सारा जो बैटर है इसी तरीके से आपको उनका ये चीला बना लेना है। तो ये देखिए, ये जो चीला है ये बिल्कुल बनकर रेडी है। किसी भी ग्रीन चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ
या फिर सॉस के साथ आप इसे खा सकते हैं। वैसे भी ये बिना किसी चीज़ के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो ये रेसिपी ज़रूर आप एक बार ट्राई करें बनाकर। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।